जब सर पेड़ होती है जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। होगी तब्बू द कॉप की एंट्री, कैसी होगी तब्बू और अजय की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, पहले कौन से प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके हैं अजय और तब्बू, को स्टार और क्लोज फ्रेंड तब्बू को लेकर क्या है अजय का पर्सपेक्टिव। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो एवरग्रीन ब्यूटी तब्बू हाल ही में अपने प्रोजेक्ट दृश्यम 2 की शूटिंग रैप अप करके अब अपकमिंग कैथी रीमेक भोला के लिए शूट स्टार्ट कर चुकी हैं। तब्बू हमेशा से ही अपने यूनिक रोल्स को लेकर एक हॉट टॉपिक बनी रहती है और उनके अपकमिंग रोल्स के बारे में जानने के लिए ऑडियंस सेक्शन भी काफी एक्साइटेड दिखाई देता है। अब हमेशा की तरह एक बार तब्बू अपनी अपकमिंग फिल्म भोला में अपने रोल को लेकर एक हॉट टॉपिक बनी हुई है, तो अब आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर तब्बू का रोल होगा क्या। तो इस सस्पेंस को यहीं ब्रेक करते हुए बताते हैं कि भोला में तब्बू एक फीमेल दबंग कॉप का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। तब्बू को हमेशा से ही उनके यूनिक स्टाइल और रोल चॉइसेस के लिए जाना जाता है और अब एक बार फिर फैंस को तब्बू एक फीमेल दबंग के किरदार में नजर आएंगी, जिसके चलते तब्बू के साथ साथ उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। जब भी तब्बू के रोल की बात उठती है साथ में उनके बचपन के दोस्त अजय देवगन का नाम जरूर जोड़ा जाता है, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। जब भी ये जोड़ी साथ में स्क्रीन पर आई है इनकी धमाकेदार केमिस्ट्री और बॉन्डिंग के चलते वो हर फिल्म हिट हुई है जिसमें ये दोनों साथ नजर आए हैं। अब इस ऑन स्क्रीन पेयर की इसी सक्सेसफुल केमिस्ट्री के चलते इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट भोला से भी ऑडियंस काफी हाई एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। बात की जाए तब्बू और अजय के रिलेशन की तो ये दोनों एक दूसरे को बचपन के दिनों से जानते हैं और कई सुपरहिट फिल्म्स में भी एक साथ काम कर चुके हैं। पहली फिल्म जिसमें अजय और तब्बू ने साथ काम किया था वो था साल 1994 में रिलीज हुई विजय पथ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई थी और इसी फिल्म के साथ अजय और तब्बू की बेहतरीन केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। इस साल की मैसिव सक्सेस को देखते हुए अजय और तब्बू की केमिस्ट्री काफी डायरेक्टर्स ने नोटिस भी किया और जिसके चलते एक बार फिर साल 1995 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म हकीकत तब्बू और अजय को एक साथ वापस कास्ट किया गया। इस फिल्म में तब्बू ने अजय की रोमांटिक पार्टनर का किरदार निभाया था और ये फिल्म बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी थी। फिल्म हकीकत के सक्सेसफुल होते ही इस ऑन स्क्रीन जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे भी कई फिल्म जैसे की दृश्यम, गोलमाल अगेन, दृश्यम 2 में एक साथ स्क्रीन शेयर करते गए और इसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए ये ऑन स्क्रीन पेयर एक बार फिर रेडी है अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट भोला में स्क्रीन शेयर करने के लिए। बात की जाए तब्बू को लेकर उनके को स्टार अजय देवगन के पर्सपेक्टिव की तो एक इंटरव्यू के बीच अजय अपने बचपन की दोस्त को काफी अप्रिशिएट करते हुए नजर आए। अजय ने कन्फेस किया कि तब्बू उनके लिए एक छोटे बच्चे जैसी हैं, जिन्हें वो हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। एड ऑन करते हुए अजय ने कन्फेस किया कि एक अच्छी दोस्त होने के साथ साथ तब्बू एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और आगे भी अगर उनको तब्बू के साथ काम करने का मौका मिलता रहा तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यहीं होता है एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।